5 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का, जो कि 7:52 तक पत्रा के अनुसार दिया गया है। 7:52 तक आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। भाई बहनों का पर्व रक्षाबंधन कब है और क्या इसके लिए शुभ मुहूर्त है? भाई बंधन का पर्व जो है रक्षाबंधन, यह मुहूर्त के अनुसार यह जो है सावन महीना के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, और जब पूर्णिमा जब प्रवेश करता है तब ये मनाया जाता है। तो वैसे तो पूर्णिमा 30 तारीख को ही प्रवेश कर रहा है। 30 तारीख को दिन में 10:20 से 31 तारीख को 7:52 में मिथिला पंचांग के अनुसार, और इस दिन पूर्णिमा है तो पूर्णिमा में मनाया जाएगा। जहाँ तक पूर्णिमा 2 दिन पड़ गया, 30/8/2023 और 31/8/2023, मगर 30/8/2023 को पूरे दिन भर भद्रा रहेगा, जो कि किसी भी शुभ काम के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और 31 अगस्त को सुबह में 7:52 तक ही शुभ मुहूर्त है, इसलिए 30/8 को रक्षाबंधन न ही मनाएं वही अच्छा। क्योंकि इस मुहूर्त में अगर आप अपने भाई को, किसी भाई बंधु को अगर राखी बांधते हैं तो वह उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उसके जीवन काल पर बैड इफेक्ट पड़ सकता है। रात्रि में समय शुभ है अवश्य, मगर रात्रि में रक्षा बंधन बांधा नहीं जाता। आप 10 बजे रात को किसके यहाँ जाइएगा भानी माँ राखी बांधने के लिए, और किसको राखी बांधिएगा? तो अगर आप शुभ मुहूर्त की चर्चा करते हैं तो 5 बजे सुबह से लेकर के सुबह 7:52 तक, 7:30-8 तक आप अमृत योग है, सिद्धि योग भी है, और इसको हम लोग सुकर्मा योग भी है, तो इस काल में आप जो है राखी बांध सकते हैं। और इस समय में आप राखी बांधिए तो अच्छा फल मिलेगा और भाई बंधु के लिए भी शुभ फल रहेगा। 31 अगस्त को मना पाएंगे, 31 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन मनाएंगे। अच्छा, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं पंडित जी? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रक्षाबंधन वर्तमान के समय में हम लोग अपने भाई, वो जो बहन है वो रक्षा बांधती है, मगर ये प्रचलन भाई बंधु से नहीं चला। जब हमारे भारतीय सेना अपने देश की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जब बॉर्डर पर जाती थी, तो बहन जो है वो तो यह आशा देखती थी कि मेरा भाई उस बॉर्डर से सुरक्षित होकर के आए। तो उस सेना की सुरक्षा के लिए एक बहन बनकर उस आर्मी के जवान को, उस देश के जवान को हाथ में एक ऐसा कलाई बांध दिया गया, एक ऐसा रक्षा सूत्र बांध दिया गया, एक ऐसा विश्वास उसके अंदर भर दिया गया कि भाई तुम जाओ इस देश के लिए लड़ो, हमारी रक्षा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता है, कोई गोली तुम्हें छू नहीं सकती। इसीलिए यह पर्व उस दिन से चली आ रही है, भाई की रक्षा के लिए ये सूत्र तैयार किया गया, इसे रक्षा सूत्र कहते हैं। और हमारे बॉर्डर पर से जब हमारे भाई बंधु अपने घर पहुँचे तो खुशियों का लहर छा गया, और उस दिन से ही ये रक्षा सूत्र का रिवाज चला, और हर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र उनके कलाई पर बांधा जाता है, और यह विश्वास होता है कि उसका जो भाई है हमेशा रक्षा में रहेगा और खुद उसकी भी रक्षा करेगा। क्योंकि भाई बहन की रक्षा के लिए ही एक संकल्प लेता है कि बहन जब तक हमारा सांस रहेगा मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। और मेरी प्रार्थना है कि आप सभी बहनें, मेरे भी बहन 31 अगस्त 2023 को सुबह 5 बजे से लेकर के 7:45-46-47 तक अपने भाई को राखी बांधें और उसका आनंद उठाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। पंडित मनोज पंजाब।